नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। आगरा के सभी मंदिरों में महाशिवरात्रि के पर्व पर भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली है। यहां बम बम भोले की गूंज मंदिरों में सुनाई दे रही है। वहीं भक्तजन लंबी लाइनों में लगकर भोलेनाथ के दर्शन करने को उतारू नजर आ रहे हैं। आगरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुबह से ही महाशिवरात्रि की धूम जो है वो नजर आ रही है। आगरा में भी तमाम मंदिरों में, तमाम शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की लंबी लाइनें देखने को मिली है। बम बम भोले के जयकारों से सभी शिवालय गूंजते हुए नजर आए। वहीं बलरामपुर में भी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर लोगों में श्रद्धा का उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। मुख्यालय स्थित झारखंडी मंदिर पर सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालु लाइन में लगकर जलाभिषेक दुधाभिषेक करते हुए नजर आ रहे थे। लोगों की मान्यता है कि यहाँ भगवान भोलेनाथ से मांगी गई मिन्नतें अवश्य पूरी होती है। जिले के झारखंडेश्वर महादेव मंदिर और राजापुर जंगल स्थित बाबा जंगलीनाथ मंदिर पर भी लोग जलाभिषेक के लिए सुबह से ही पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कहा जा सकता है कि देश भर में अलग ही छठा महाशिवरात्रि की देखी जा सकती है। वहीं फिरोजाबाद में भी शिव मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती नजर आई। हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं के साथ मंदिर में बम बम भोले के जयकारे गूंजते हुए नजर आए। इस दौरान फिरोजाबाद SSP के निर्देशन में मंदिरों पर 450 पुलिसकर्मी लगाए गए। वहीं श्रद्धालुओं के साथ कोई स्नैचिंग जैसी घटना ना हो, इसके लिए फिरोजाबाद पुलिस मुस्तैद नजर आई है। फिरोजाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंदिरों में, शिवालयों में सुबह से ही भारी उत्साह शिव पावन पर्व का नजर आया है। शिवरात्रि के मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां नजर आए हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस भी कहीं ना कहीं मुस्तैद नजर आई है। चाक चौबंद यहां पर इंतजाम भी किए गए थे। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम नजर आ रही है। अगर यूपी के कासगंज की बात करें तो यहाँ भी महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर दिवालियों में भगवान भोलेनाथ की आराधना करने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की शिवालय मंदिरों पर कतारें लग गई। जहाँ भक्तों ने लाइन में लगकर बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर जलाभिषेक किया, परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखने की कामना की। वहीं श्रद्धालुओं ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए भांग, धतूरा, बिलपत्र चढ़ाकर उनकी पूजा अर्चना की है। आपको बता दें कि मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए मां पार्वती ने गंगा से जल भरकर लाई थी और शिवलिंग पर चढ़ाया था, जिससे भगवान शंकर प्रसन्न हुए। और महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शंकर और मां पार्वती की शादी हुई थी, तभी से इस महाशिवरात्रि पर्व को मनाया जाता रहा है। बुलंदशहर के मंदिर प्रांगण में शिवरात्रि पर्व पर कांवड़ियों सहित जनपद वासियों द्वारा जलाभिषेक किया गया। इस दौरान प्रशासन भी अलर्ट नजर आया। शिवरात्रि पर कांवड़ियों और श्रद्धालु भक्तजनों द्वारा बोल बम 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 भोले हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर प्रांगण गूंजते नजर आए हैं। डॉक्टर साहब, आज कांवड़िये बड़े मंदिर में उपस्थित हैं, तो आपकी तरफ से क्या क्या उनको सुविधाएं दी जा रही हैं? शासन की मंशा के अनुसार यहाँ पर कैंप लगाया गया है। 24 आवर जो चलेगा यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है और सारी जीवन रक्षक दवाएं जो इमरजेंसी में उपयुक्त होती है वो सब यहाँ अवेलेबल है। कोई कांवड़िया अगर हमारा घायल होता है तो उसकी मरहम पट्टी की व्यवस्था है। अगर BP है उसकी वजह से कोई चक्कर या वो आता है उसकी व्यवस्था है। और जो इमरजेंसी ड्रग्स है वो सारी यहाँ अवेलेबल है। एम्बुलेंस बाहर खड़ी हुई है और अगर जरूरत पड़ती है कोई अगर ज़्यादा सीरियस होता है CSC में पहुँचा के आगे का इलाज की भी समुचित व्यवस्था यहाँ की गई है। आज गुलावटी के प्राचीन बड़ा महादेव मंदिर पर आप उपस्थित हैं। अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग को लेकर, बात की जाए फलाहार को लेकर, तो आपको किस तरह की सुविधाएं यहां पर मिली हैं? सब तरह की सुविधाएं आपको पूरी तरह से मिल रही हैं? चलिए आगे बढ़ते रुक करेंगे कुछ और खबरों का। एक तरफ देश और प्रदेश की सरकार महिला सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा को लेकर कई तरह के बड़े दावे करती रही है और उन्हें अमल में लाने की हर संभव कोशिश भी करती है, लेकिन कई बार मामला बिल्कुल इसके उलट दिखाई देता है। जी हां, ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब CM सिटी की पुलिस ही रक्षक से भक्षक बन जाए तो क्या कहना। ऐसा ही मामला महाशिवरात्रि के पर्व पर गोरखपुर के मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में देखने को मिला, जब सुरक्षा में लगे ट्रांसपोर्ट नगर चौकी इंचार्ज कुंवर गौरव सिंह एक महिला की थप्पड़ों से पिटाई करते हुए नजर आए हैं। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। ये वीडियो नौसर मुक्तेश्वर धाम मंदिर का बताया जा रहा है, जबकि शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर
एसपी गौरव ग्रोवर ने महिला सुरक्षा और आम नागरिक सुरक्षा को लेकर बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए सीसीटीवी कैप फुटेज जो है वो भी लगाए गए हैं। हम इनके लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हैं कि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की समस्या आती है तो वो हम लोगों से सीधे बात कर सकते हैं, लेकिन जब उन्हीं की पुलिस उन्हीं के शहर में इस तरह की हरकत करते दिखाई दे तो क्या कह सकते हैं। तस्वीर दावे और व्यवस्थाओं पर एक सवाल निशान जरूर उठा रही है। देखिए, कल तारीख 18 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व पूरे देश प्रदेश और जनपद गोरखपुर में भी मनाया जाना है। इसके संबंध में हमारे जितने भी थाना प्रभारी हैं, गस्टेड ऑफिसर्स हैं, सबको पहले से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जहां जहां शिवालय है, मंदिर है, जहां पर श्रद्धालुओं का आवागमन होता है, वहां पर ड्यूटी चार्ट बना दिए गए हैं। विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा के लिए वहां पर महिला पुलिस का भी बंदोबस्त किया गया है। मैं आपके माध्यम से सभी को इस त्यौहार की बधाई देता हूं। आशा करता हूं कि आपके सहयोग से ये पूरा जो त्यौहार है बड़ा सकुशल संपन्न। सीसीटीवी कैमरे की भी मदद की जाएगी? देखिए, बिल्कुल, सीसीटीवी कैमरा हमारा तो पहले से ही त्रिनेत्र अभियान जो चल रहा है उसमें सीसीटीवी कैमराज नए भी लगाए गए हैं और इस तरह की सुरक्षा के लिए भी जो हमारे धार्मिक स्थल है वहां भी सीसीटीवी कैमरों का उपयोग किया जाएगा। मयागरा थाना सिकंदरा चौराहे के पास बताओ पूरा बताओ धनोई जब खत्म होने के बाद में फिर बहनी को हम घर पे ले गए। घूमती हुई गाड़ियां नजर आई, गनीमत रही कि सवारियां सकुशल रही हैं। तो तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर आगरा में सिकंदरा चौराहे के निकट एक बड़ा ही हादसा हुआ है, जब एक ही साइड से आ रहे दो कार आपस में भिड़ गई है। इस दौरान तेज आवाज के साथ सड़क पर घूमती हुई गाड़ियां भी नजर आई है। गनीमत रही कि सवारियां इसमें बच गई है, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। तो आगरा से पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है जहां कर सिकंदरा चौराहे के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है, जब एक ही साइड से दो कारें सामने आ गई और आपस में भिड़ गई। इस दौरान तेज आवाज के साथ सड़क पर घूमती हुई गाड़ियां भी नजर आई हैं। गनीमत ये रही है कि जो सवारियां हैं वो पूरी तरह से कुशल रही हैं। बताओ पूरा बताओ। हनोई जब खत्म होने के बाद में फिर बहनी को हम घर पे ले गए। ठीक 15 दिन के बाद हम छोड़ने आए, फिर इनने मार पीट के भगा दिया छोटे वाले भाई साथ। फिर हम उसको लेकर आए थाने तक। ठीक, वो डांट गए पुलिस वाले, उसके बाद वो रहती रही, फिर इन्होंने मारा, फिर वो जो है वापस चली गई, फिर हम लेकर चले गए, फिर ये आती रही, उसके बाद में फिर पुलिस आई, फिर उसके बाद में ये 2 महीने 2.5 महीने से यहाँ रह रही है। फिर इन्होंने कहा, बुढ़े ने कहा, चलो हम खर्चा देंगे। खर्चा देने के बाद में फिर इनकार कर दिया, कई हिस्सा भी देंगे, घरवाही भी देंगे। उसके बाद इन्होंने आज फैसला था, इन्होंने गाड़ी भी इन्हें चुरा के बेची, बता रहे थे कि नाम करवा गए, गाड़ी नाम नहीं, एक पिंदर सरदार है उसके पास गाड़ी है, 45,000 की गाड़ी बिकी है। ठीक है, और आज फैसला होना था कि घरवाही का, वो कह रहे थे हम इधर वाले लेंगे, वो कह रहे थे उधर वाले लेंगे। खुद गाँव में ससुर द्वारा अपनी विधवा बहू की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई है। देवर देवरानी को हिरासत में ले लिया गया है। पंचायत नामा भरकर पीएम के लिए डेड बॉडी को भेजा जा रहा है। तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अब बताया जा रहा है कि समझौता होना था, आज किस चीज़ का समझौता होना था? अब ये आगे की जाँच करेंगे और जाँच के बाद जो साक्ष्य पाए जाएंगे उसको उससे आपको अवगत करा दिया। बता रहे विधवा महिला लगातार थाने जा रही थी? नहीं, इसका कल थाने पर गई थी और इसके लिए पुलिस भेजी भी गई थी, पुलिस जांच करके गई थी, लेकिन अब कल आज क्या हुआ है उसकी जांच के बाद ही हम बता सकते हैं। इस महिला ने कहा था मेरी जानू खतरा भी है। अब जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई कैसी की जाएगी, क्या है वो पूरा मामला जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या मोटिव। वजह समझ में नहीं आई? नहीं, अभी तक कोई वजह सामने नहीं आई। तो पीलीभीत का एक पूरा मामला है जहां पर पुरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव उदयपुर खुर्द में विधवा महिला की उसके ससुर ने कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी। महिला का ससुर से संपत्ति का विवाद था। एक दिन पहले महिला ने कोतवाली पुरनपुर जाकर शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस की लापरवाही से महिला की हत्या हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देवर देवरानी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं ससुर फरार है। आपको बता दें कि संपत्ति विवाद में ससुर ने अपनी बहू को ही मौत की घाट उतार दिया। घटना के बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरदोई के पचदेवरा थाना क्षेत्र के दरियाबाद गांव के पास पाली की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार बोलेरो ने अनंगपुर की ओर से आ रहे गन्ने से भरे ट्रॉली में टक्कर मारकर अंतरित होकर नहर में जा गिरी, जिससे बोलेरो में सवार दूल्हे के बहनोई सहित 5 लोगों की मौत हो गई है। घटना की जानकारी के बाद डीएम और एसपी जिला अस्पताल पहुंचे। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्राम पंचायत अर्जुनपुर, वहाँ से बारात जा रहे थे कांट तरफ, कांट कुटिया,
ये गांव पड़ता है भरकनी के आगे थाना फसूरा में दरियाबाद पुराना क्या नाम है वहाँ पे दो एक ट्रैक्टर और एक ट्राली जोड़े हुए जा रहा था आ रहा था उधर से ये लोग उधर जा रहे थे ट्रैक्टर ट्राली से टक्कर में घटना हुई। ये सुमित नाम का लड़का सुमित सिंह ठाकुर है चला रहा था। सात लोग गाड़ी में थे पांच लोग खत्म हुए दो लोग फरुखाबाद भर्ती हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आजाद भदौरिया। हरपालपुर से बारात जा रही थी शाहजहांपुर के लिए कल और बोलेरो में लोग सवार थे पांच लोग जिसमें बताया गया है कि बोलेरो अनियंत्रित होकर के ट्रैक्टर ट्राली से टकराई है और दुर्घटना हुई जिसमें तीन लोग हॉस्पिटल लाए गए और दो लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हुई थी और बाद में हॉस्पिटल में इलाज के दौरान भी तीन लोगों की डेथ हुई। तो इस प्रकार कुल पांच लोगों की डेथ हुई है और इस समय पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है और एसपी साहब परिजनों से। वहीं मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र के गांव निवाल खास में एक अधेड़ का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। निवास खाड़ के चौकीदार द्वारा सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आसपास के ग्रामीणों को बुलाकर शव की शिनाख्त भी कर ली गई। मृतक का नाम रिहान उद्दीन बेटे स्वाउद्दीन जो कि थाना भोजपुर के मोहल्ला जमियादन का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस तथ्यों के आधार पर जांच कर रही है। दरअसल थाना भगतपुर इलाके के गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब किसान द्वारा आकर बताया गया कि जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है। चौकीदार की सूचना पर भगतपुर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पुलिस द्वारा आला अधिकारियों को भी सूचित कर दिया गया। मौके पर पहुंचे सीओ और एसपी ग्रामीण द्वारा घटनास्थल क्षेत्र का भ्रमण किया गया। शव की शिनाख्त कराने की भी यहाँ पर कोशिश की गई। आखिरकार शव की शिनाख्त हो गई है। यहाँ पे हमने देखा कि सुबह कुछ आदमियों ने देखा तो चौकीदार ने बताया मेरे को कि यहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है। हमारे चौकीदार मैन जहाँ पर लाश पड़ी हुई थी वहीं पर पहुँचे और उसी के बाद हमने थाने को सूचना करी। वहाँ से पुलिस आने के बाद पुलिस उस लाश को उठा कर ले गई। जब आगे देखा तो यहाँ क्या स्थिति थी? उस मोटरसाइकिल उसके ऊपर रखी हुई थी। कुछ पता चला बॉडी का कहाँ की थी? बॉडी उसकी भोजपुर की बता रहे हैं। एसओ साहब कह रहे थे कि भोजपुर की है। देखिए आज सुबह ग्राम चौकीदार के द्वारा सूचना मिली कि यहाँ पे खड़ंजे पे एक रिहा एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इसी पे जो पुलिस यहाँ पे मौके पे आई तो उसके बाद में उसकी पहचान की गई तो उनका पहचान रिहाउद्दीन के नाम से हुई है और ये कस्बा भोजपुर के रहने वाले हैं और यहाँ पे उनकी बाइक भी थी और उनकी डेड बॉडी यहाँ पे मिली थी। इसी पे अभी पुलिस इसमें उनकी डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेके उनकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और परिजनों से वार्ता करके तहरीर इसमें प्राप्त की जा रही है और आगे की जो कार्रवाई है विधिक कार्रवाई। सर क्या लगता है हत्या लगती है लूट लगती है? प्रथम दृष्टया ये एक रंजिशन हत्या का मामला कुछ लग रहा है जिसमें कि उनके साथ में घटना करी है और क्योंकि उनके पास में जो बाकी उनके जो पॉकेट में जो सामान था वो यथावत था और उसमें कुछ पैसा मोबाइल ये सब चीज़ें और मोटरसाइकिल उनकी यहीं मिली है। सर क्या परिजनों की तरफ से कोई प्रार्थना पत्र मिल गया? अभी इसमें परिजनों के द्वारा तहरीर इसमें दी जा रही है जैसे ही मिलेगी उसके आधार पर। सर घटना स्थल पर परिजनों को सूचना दी गई थी वो फरुखाबाद में दबंगों ने युवक के साथ लाठी डंडों से जमकर मारपीट की। वहीं दबंगों की मारपीट से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं घायल अवस्था में युवक को सीएससी में भर्ती कराया गया। मामला कोतवाली महमदाबाद क्षेत्र के गैसिंगपुर गैस प्लांट शराब ठेके के पास का बताया जा रहा है। फरुखाबाद में ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक के किनारे 50 वर्षीय महिला को बेहोशी की हालत में पड़ा देखा जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। ये पूरा मामला थाना मऊदरबाजा क्षेत्र के बरौनीटी का नगला रसीदपुर के बीच रेलवे लाइन के पास का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। वहीं श्रावस्ती में पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर चोरों का तांडव देखने को मिला है। यहां चोरों ने ज्वेलरी और रेडीमेड की दुकान से लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। अब बता दें कि दुकान के पीछे लगे जाल तोड़कर दुकान में चोर घुसे थे। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। समर में गढ़मुक्तेश्वर से वापस लौट रहे बाइक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। वहीं सड़क हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हो गई। वहीं घायल हो गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपका? राजेश कुमार। कहाँ रहते हैं? आलमसराय। एक युवक की मौत हुई है, क्या नाम है उसका, कहाँ आ रहा था वो?
आकाश नाम है मेरे भतीजे का और उसके पिता का नाम है अशोक उर्फ टीटू, और वो गंगा मेले पर जाते पे लोटे पर आकर ना चंदावली पे उसकी डेथ हो गई है एक्सीडेंट से। और कोई भी था साथ में? हाँ, एक दो दोस्त है शायद उसके, पता ये हुआ है। किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ था? बाइक से। दूसरा वाहन कौन सा था? दूसरा वाहन शायद ट्रैक्टर बताते हैं। पुलिस ने कोई कार्रवाई की अभी? अभी तो नहीं, लेकिन डेड बॉडी के लिए ले गए हैं उसको अपने साथ के लिए। बुलंदशहर में अपराधों पर अंकुश लगाए जाने के लिए अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना गुलावटी पुलिस द्वारा जिला बदर अपराधी कमरुद्दीन उर्फ कमरू को अवैध असलाह कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। वहीं अपराधी को ग्राम मिठेपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान पुलिस ने अपराधी के पास से तमाम चीजों को बरामद किया। बलरामपुर जिले के तुलसीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला लाल नगर सिपाहिया के पास ट्रैक्टर ट्रॉली और कार में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार तीन लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं मौजूदा लोगों ने बताया कि तुलसीपुर की तरफ से आ रही कार का बैलेंस बिगड़ा और सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली से जाकर भिड़ गई। कार चला रहे मोहल्ला निवासी बरदौलिया को काफी चोटें आई हैं। कार में ही बैठे उसकी पत्नी सावित्री और बेटे माही भी घायल हो गए हैं। बलरामपुर में सरयू नहर में पिछले दो महीनों से कई अज्ञात शव मिले हैं। वहीं NH 730 पर स्थित पुरुषोत्तमपुर तराहे के पास सरयू नहर में एक और अज्ञात शव मिला। वहीं पुलिस ने शव को सरयू नहर से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये मामला थाना तुलसीपुर के NH 730 ग्राम पुरुषोत्तमपुर तराहे के पास का बताया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।